तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने इस इनक्रेडिबल चैनल में इनक्रेडिबल इन्फोज के साथ। मेरा नाम है जय दवे और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल ऑटोज टीवी का ये बहुत ही एक्साइटिंग कंपेरो वीडियो। यस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ह्यूंडई की बिल्कुल नई वेन्यू के साथ अपनी कंपटीशन में जो भी बेहतरीन ऑप्शंस अवेलेबल है उन सारे ऑप्शंस को इंजन स्पेसिफिकेशंस और डाइमेंशंस के हिसाब से कंपीट करके कंपेयर करके आखिर में क्या ओपिनियन निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे अपने इनपुट्स देने वाला हूँ जो इनपुट्स आपके लिए हो सकते हैं, डिसीजन मेकिंग इनपुट्स हो सकते हैं। सो ऐसी कोशिश के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट इनटू इट। ऑलराइट, सो जैसे आप सब देख सकते हैं अभी आपकी स्क्रीन पे जो ह्यूंडई की जो बेस्ट कंपेरेटिव प्रोडक्ट्स है, जो कंपेरिजन कर सके ऐसी प्रोडक्ट्स है ह्यूंडई की वेन्यू के साथ, वो सारी प्रोडक्ट्स यानी कि XUV300, फोर्ड एकोस्पोर्ट और टाटा नेक्सोन, इन सारी प्रोडक्ट्स को हम इस वीडियो में कंपेयर करेंगे। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा, यहाँ पर मैंने ब्रेजा को इंक्लूड नहीं किया है, इंटेंशनली नहीं किया है, और इसका इसके दो सबसे बड़े मेन रीजंस है। फर्स्ट रीजन इज एज ऑफ नाउ मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा में पेट्रोल ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हालांकि आने वाले कुछ टाइम में आपको पेट्रोल ऑप्शन मिलने वाला है, लेकिन उसके बारे में आने वाले कुछ टाइम के बाद ही बात करेंगे। फिलहाल के लिए पेट्रोल ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, प्लस विटारा ब्रेजा जो कस्टमर विटारा ब्रेजा लेने के लिए फाइनल कर लेते हैं उनको इन सारी चीज़ों के लिए मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकलिटी वाले फैक्टर्स के ऊपर, और प्रैक्टिकलिटी अगर हम देखें तो वेन्यू के साथ यही तीन टफेस्ट राइवल कह सकते हैं। सो ज़्यादा टाइम नहीं गवाऊंगा, मैंने जस्ट आपको जस्टिफिकेशन दिया है कि क्यों मैंने ब्रेजा को इंक्लूड नहीं किया। आपको अगर पर्सनली कोई क्वेश्चन हो ब्रेजा के साथ वेन्यू या तो इनमें से कोई भी कार्स के साथ कंपेयर करने में, आपके सारे कन्फ्यूजन्स मैं क्लियर कर दूंगा। नीचे दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और डीएम करके कभी भी पूछ सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डाइमेंशंस, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि डाइमेंशंस के हिसाब से सारे ऑप्शंस आपके सामने अभी स्क्रीन पे अवेलेबल है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग ऑप्शन ये है कि सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो डाइमेंशंस के हिसाब से बड़ी कार XUV300 है, और ह्यूंडई की वेन्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डाइमेंशनली सबसे छोटी कार हम कह पाएंगे वेन्यू को। इसके अलावा नेक्सोन को ओवरऑल देखें तो न्यूट्रल सी आप देख सकते हो, ना तो बहुत ज्यादा बड़ी है ना तो बहुत ज्यादा कम छोटी है। इसके अलावा एकोस्पोर्ट की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कमी है एकोस्पोर्ट के डाइमेंशंस में, और वो है ओवरऑल विड्थ। इसके अलावा कोई कमी नहीं कह सकते हैं एकोस्पोर्ट में। सारे डाइमेंशंस अभी आपकी स्क्रीन पे है, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ये रही फुल स्क्रीन की डिस्प्ले। ऑलराइट, नेक्स्ट शीट पे आते हैं। नेक्स्ट जो शीट है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि पेट्रोल इंजन, जैसे मैं आप सबको कम यूजेज के ऊपर ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ, तो पेट्रोल इंजन में यहाँ पे सबसे बेहतरीन ऑप्शन अगर हम देखें तो दो ऑप्शंस सबसे बेहतरीन कह सकते हैं, टाई कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेन्यू भी अपने 1.2 लीटर और 1.0 लीटर दो इंजन के साथ अवेलेबल है। उसके साथ इकोस्पोर्ट भी 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड और 1.0 लीटर इकोबूस्ट दो पेट्रोल इंजन के साथ अवेलेबल है। हालांकि XUV300 का 1.2 लीटर जो इंजन है वो भी कमाल का इंजन है, और नेक्सोन का 3-सिलेंडर टर्बो इंजन है वो भी बहुत एक्सेलेंट इंजन है। लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो यहाँ पे वेन्यू और इकोस्पोर्ट में आपको दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं।
अब ये आपके ऊपर है, नंबर्स के ऊपर आप ज्यादातर ना ही जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि नंबर्स उतने ज्यादा मैटर नहीं करते, ओवरऑल ड्राइवेबिलिटी ज्यादा मैटर करती है। मैं आपको इन सारे XUV300, EcoSport और Nexon, इन तीनों कार्स के मैंने पर्सनली बहुत अच्छी तरह से रिव्यूज किए हैं, और उन सारे रिव्यूज में मैंने प्रैक्टिकलिटी फैक्टर्स के ऊपर ही बेस्ड आपको सारी चीजें बताई है। ये उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे ज्यादा नंबर्स पे फोकस ना करके प्रैक्टिकल फैक्टर्स को आप ध्यान में लेंगे और फाइनल डिसीजन आपका उसके बाद ही लेंगे। अगर इन स्पेसिफिकेशंस में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं कुछ चीजें आपको हाईलाइट करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, EcoSport का 1.0 लीटर टर्बो बूस्ट जो EcoBoost इंजन है वो 125 PS के पावर के साथ सबसे ज्यादा पावरफुल इंजन यहाँ पे पेट्रोल में कहा जा सकता है। Nexon और XUV दोनों के इंजिन जो है वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट इंजिन कह सकते हैं, लेकिन टॉर्क के मामले में XUV300 यहाँ पे 200 Nm के टॉर्क के साथ ज्यादा टॉर्क आपको देगा, और ये एक अच्छी बात जरूर कहूंगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो Hyundai Venue का जो 1.2 लीटर का इंजिन है वो 83 HP के पावर के साथ कहीं ना कहीं स्मॉलर इंजन ही कह सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन अगर हम देखें तो सारे इंजिन जो दूसरे इंजिन हैं वो 110 HP के ऊपर के इंजिन ही है, वहीं Venue का 1.2 लीटर फोर सिलेंडर जो बेसिक मॉडल में जो इंजिन है वो 83 HP का इंजिन है, जो कि मेरे हिसाब से शायद हो सकता है आपको थोड़ा सा अंडर पावर फील करवाए। ये पॉइंट मुझे जरूर आपको नोट करवाना था और यही मैंने किया। मैनुअल गियरबॉक्स के इंजिन्स को देखें तो 5 और 6 स्पीड के कॉम्बिनेशंस यहाँ पे डिफरेंट कार्स में अवेलेबल है। उसी के साथ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स में देखें तो XUV300 यहाँ पे कहीं ना कहीं लैक कर जाती है। XUV300 में फिलहाल के लिए ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कोई अवेलेबल नहीं है, ये एक ड्रॉबैक हो सकता है। अगेन, आपको अगर बेस्ट ऑटोमेटिक गियरबॉक्स कौन सा है ऐसा आपका क्वेश्चन है तो मैं आपको बता दूं कि 7-speed DCT वुड बी द बेस्ट ऑटोमेटिक गियरबॉक्स आउट ऑफ दीस ऑल। उसके बाद आएगा टॉर्क कन्वर्टेड और उसके बाद आएगा ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस के ऊपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है, आप अभी ही आई बटन में जाके देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं डीजल बर्नर्स के बारे में, यानी कि डीजल इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। 1.4 लीटर 1.5 लीटर 1.5 लीटर 1.5 लीटर। 1.4 लीटर Venue का जो इंजन है फोर सिलेंडर टर्बो इंजन है, चारों कार में फोर सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन है, लेकिन 1.4 लीटर इंजन में आपको 90 HP का पावर और बाकी के सारे इंजिन में आपको अबव 100 HP का पावर मिल रहा है। अगर देखने जाए पावर के हिसाब से तो यहाँ पे मोस्ट पावरफुल ऑफ द लॉट अगर हम कहें तो 117 HP के साथ आपकी XUV300 इज द मोस्ट पावरफुल ऑफ द लॉट। अगेन टॉर्क की भी बात करें तो पावर और टॉर्क दोनों में महिंद्रा ने यहाँ पे XUV300 के साथ बाजी मार ली है, और 300 Nm के बहुत एक्सेलेंट टॉर्क के साथ XUV300 इज द लीडर ऑफ द लॉट। उसके बाद अगर हम देखें तो 216 Nm और 110 HP के साथ Nexon is also a considerable option, बहुत ज्यादा consider कर सकते हैं अगर आपको डीजल में जाना है। EcoSport 1.5 लीटर is moderate और न्यूट्रल कह सकते हैं, लेकिन the lowest powerful अगर हम देखें तो 90 HP के साथ Venue का 1.4 लीटर इंजन ही हो सकता है, लेकिन उसमें टॉर्क की कमी बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप नंबर्स के ऊपर मत जाइएगा, अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा एक बार जो भी कार आप फाइनल करें उसे प्रॉपर टेस्ट ड्राइव के बाद ही फाइनल कीजिएगा। प्रॉपर टेस्ट ड्राइव कैसे लेनी है इसके लिए आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की बात करें तो अगेन यहाँ पे Nexon ने बाजी मार ली है अपने ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन के इंजन के साथ, और कोई भी ऑप्शन पे आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है अगर आपको डीजल सिटी में चलाने के लिए एज वेल एज हाईवे ड्राइविंग के लिए चाहिए, जिसमें आपको फ्यूल एफिशिएंसी में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े, ऐसा इंजन ऐसा ट्रांसमिशन आपको चाहिए तो Nexon इज द कार यू शुड गो विथ। नेक्स्ट इज द प्राइसिंग और Venue की मैं आपको पहले ही बता दूं कि एस्टिमेटेड प्राइसिंग मैंने यहाँ पे मेंशन की है, जो मेरा पर्सनल एस्टिमेट है, जो मेरा पर्सनल कैलकुलेशन है
उस कैलकुलेशन के बेसिस के ऊपर मैंने ये प्राइसिंग जो है वो आपको बताई है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत इससे प्लस और माइनस हो जाए, लेकिन आप स्मार्ट बायर्स हो, आप स्मार्ट कंज्यूमर्स हो, इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। इसके अलावा सारे ऑप्शंस के स्टार्ट और एंड यानी कि टॉप एंड वेरिएंट्स के और बेसिक वेरिएंट्स के सारे प्राइसिंग यहाँ पे अभी आपके स्क्रीन पे है। एक शोरूम प्राइसिंग दिल्ली की है और आप यहाँ पे प्राइसिंग को कैलकुलेट करके उसके बाद ही आप अपना जो बजट है उसके मुताबिक आप अपनी प्रोडक्ट चुनिए और उसके बाद सारे जो दूसरे कंपेरिजन है वो कीजिए, क्योंकि प्राइजिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरा अगर कार बाइंग गाइड का एक प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट अगर देख लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी कार परचेज करने में और कार परचेज कर लेने के बाद। प्लीज देख लीजिएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं और फोर्सफुली कहता हूं कि वो वीडियोस जरूर देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। सो प्लीज कोई भी वीडियोस देखने हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। आपको क्या लगता है वेन्यू अपने इस इंजन स्पेसिफिकेशंस और डायमेंशंस के साथ इस टफ मार्केट में सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? और उसके अलावा आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, आपके कंफ्यूजन हो तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछना मत भूलिएगा। सो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बहुत ही जल्द ऐसी किसी इनक्रेडिबल इन्फोस के साथ अपने इनक्रेडिबल चैनल में मैं जय दवे आपके सामने वापस हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए चूज वाइज, ड्राइव सेफ और लिव इन क्रेडिबल, राइट? थैंक यू।